नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन 2 का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा था कि बुधवार को इससे संबंधित सभी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संशोधित नए दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। कुछ सेवाओं पर 20 अप्रैल से छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम जिला प्रशासन का होगा। आपको बता रहे हैं कि संशोधित दिशा निर्देश क्या होगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि किन सेवाओं पे मिलेगी छूट। बैंक, एटीएम, बैंकिंग सर्विसेज अपना काम करती रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, मेडिकल स्टोर और मेडिकल लैब खुले रहेंगे। पैथोलॉजी लैब, दवाई से जुड़ी सारी कंपनियां खुली रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी पड़ने पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत होगी। खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेगी। और अगर 20 अप्रैल से छूट दी जाएंगी तो किस तरह की सेवाएं शुरू होगी। जरूरी सामान बेचने वाली किराना स्टोर और राशन की दुकानें भी खुली रहेगी। ये सारी चीजों की होम डिलीवरी भी होगी। इसके जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अब जानते हैं कि किन चीजों पर अब भी पाबंदी रहेगी। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। शादी समारोह और धार्मिक स्थानों को बंद रखने की निर्देश दिए गए हैं। थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी टैक्सी, ऑटो, साइकिल और रिक्शा सहित सेवाएं बंद रहेगी। सिनेमा, मॉल, शॉपिंग सेंटर, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार के मामले में 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रेन, मेट्रो, फ्लाइट बंद रहेगी। आप सबसे भी यही अपील है कि लॉकडाउन 2 को और बढ़ने ना दे, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि कोरोना वायरस से जल्द ही छुटकारा पा सके। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।